वक्त की बड़ी खबर का। खत्म हुआ भाजपा जेडीयू का विवाद, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा और जेडीयू का विवाद खत्म होता हुआ दिख रहा है। स्पीकर के साथ श्री नीतीश कुमार ने की बैठक, बैठक में बिहार के दोनों मुख्यमंत्री रहे मौजूद, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ऊर्जा मंत्री भी बैठक में रहे मौजूद। तो विधानसभा में स्पीकर और सीएम के बीच बहस हुई थी, तू-तू मैं हुई थी, जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर से मुलाकात की है। सीएम ने बैठक कर स्पीकर विजय सिन्हा को मना लिया है, ये बातें भी निकलकर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर कल ये बैठक हुई है, देर शाम ये बैठक हुई है। इस बैठक में अगर हम जिक्र करें तो जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच हमने देखा था कि किस तरीके से बहस हुई थी, और इतिहास में ये पहली बार हुआ था जब किसी सीएम ने किसी आसन के साथ स्पीकर के साथ इस तरीके से बातचीत की थी। और इस बातचीत के बाद विजय सिन्हा नाराज थे, कल विधानसभा के बजट सत्र के दरमियान वो वहाँ पर नहीं पहुँचे थे। अगर हम बात करें तो गन्ना मंत्री प्रेम जो हैं वो वहाँ पर थे, उन्होंने कमान संभाली थी, और कल जो विधानसभा का बजट सत्र था वो चला ही नहीं। विपक्ष ने लगातार हंगामा किया, और इस हंगामे में एक ही मांग थी विपक्ष की कि किसी भी तरीके से सीएम नीतीश कुमार माफी मांगे। लेकिन कल देर शाम सीएम ने स्पीकर से मुलाकात की है, और ये माना जा रहा है कि अब बीजेपी और जेडीयू में ऑल इज वेल है। सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर को मना लिया है और बीजेपी और जेडीयू का विवाद खत्म हो गया है। खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारी सहयोगी शर्मिला चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। शर्मिला, क्या जेडीयू और बीजेपी के बीच ऑल इज वेल अब हम मान सकते हैं, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार ने स्पीकर विजय सिन्हा से मुलाकात की है? बिल्कुल, ऑल इज वेल पूजा माना जाता है, क्योंकि जो सोमवार को जो हुआ 13 मार्च को सदन में, उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा काफी आहत थे, और ये दिख गया क्योंकि वो मंगलवार को सदन में पहुंचे। सदन की कार्यवाही मुश्किल से 38 मिनट तक चली। रात में ये खबर सामने आ रही थी कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मिल सकते हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष सदन में ये मांग करते रहा कि सीएम माफी मांगे विधानसभा अध्यक्ष से। रात में विधानसभा की एसपी भवन में मुलाकात होती है, और उस मुलाकात में स्पीकर विजय सिन्हा के साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, शिक्षा मंत्री, ये तमाम जो मंत्री थे, तमाम जो बड़े नेता है वो मौजूद रहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि इस मुलाकात की पहल खुद सीएम नीतीश कुमार ने की थी। आपको ये भी बता दें पूजा की मुलाकात के बाद जब विजय चौधरी से बात की गई थी तो उन्होंने भी ये कहा था, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हाथ जोड़कर सीएम नीतीश कुमार ने उनसे आग्रह किया है और कहा है कि मैंने सम्मानजनक यानी कि सम्मान पूर्वक ही अपनी बातों को रखा था, यदि मेरे रवैये से आपको ठेस पहुंचता है तो बिल्कुल।